ए व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप लोग। सो भाई, सुबह सुबह पटनी टॉप के हालात थे ऐसे, आधी रात में जो तूफान मचा है और जो बारिश आई है। सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम सब की बाइक धुल गई है फोकट में। और ये देखो भाई, चीता बिल्कुल धुल के रेडी है। ये भी साफ, ये भी साफ, वो भी साफ, सब साफ। और ये भाई इसके हाल, इसमें एक बहुत वाहियात सी सिचुएशन हो गई, वो ये हो गई इसकी सनरूफ नहीं बंद हो रही। तो भाई जब मैंने देखा कि हाँ भाई बारिश आई है, आधी रात में उठ के भागा और इसमें ये टेप लगाई ताकि गाड़ी के अंदर पानी ना जाए। अब एक बार ऊपर चल गए ना तुम्हारे को और भी हसीन वादी हो गए नज़ारे, दिखाते हैं। लो जी, ये है अपनी खिड़की से व्यू और ये हैं अभी के ताज़ा हालात। भाई ठंड ही ठंड, वाह जी वाह। अभी करना है बस यही एंजॉय है, यहाँ से अब नहा धो के निकलने की तैयारी। और देखो अलार्म बज रहा है सौरभ का, लेकिन मैंने ये पहला बंदा देखा जो अलार्म को भी एंजॉय करता है म्यूज़िक की तरह और बढ़िया तरीके से सोता है। अब करते हैं अपनी तैयारी निकलने की और उसके बाद मिलते हैं भाई, क्योंकि आज अच्छे अच्छे पड़ाव हैं। लेट्स सी। सोचा था कि हम पहुंचेंगे कारगिल, लेकिन सुबह 6 बज गए यहीं। अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। सेकंड डे की अपनी तैयारी और जी अपने होटल से निकल के अब है, सारे बालक हो गए हैं रेडी। गौरव दमन सौरभ गए, वह आगे वो जा रहा। सैंडी गाड़ी रेडी है, हमारे सामान पूरे लोड हो चुके हैं। ठीक है जी, अब आज कोशिश ये करेंगे कि श्रीनगर पहुंचा जाए। श्रीनगर तो पहुंचेंगे आराम से, द्रास या कारगिल पहुंचने की उम्मीद हम लगा के बैठे हैं। तो मिलते हैं इन बिटवीन बहुत हसीन नज़ारों के साथ। और इसी के साथ निकल दिए अपने रिजॉर्ट से और हाईवे पे कनेक्ट करने के लिए पटनी टॉप वाला रोड जो सीधा जाएगा और ऊपर जाके हाईवे से टच हो जाएगा। आगे चल रहा है रचित और ये है आपका दोस्त MSJ। और इसी के साथ निकल पड़े इन हसीन वादियों में। यहाँ के टेम्परेचर में फिर भी कहूँ थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला, अदरवाइज़ तो गर्मी में झुलस गए थे भाई कल, बहुत गर्मी थी। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी वादियों में आके कम से कम अगर अच्छा ठंड वाला माहौल मिल जाए तो बात ही क्या है। तो भाई फटाफट से यहाँ से अब निकल के और ऊपर मेन हाईवे को कनेक्ट करेंगे। यहाँ बीच में जो लोकल रोड है ना, ये सारी बनी अच्छी हुई है, उसमें कोई समस्या है नहीं। सो हेयर वी आर ऑन द मेन हाईवे विच इज़ ये रामबन को कनेक्ट करता है, जम्मू से लेके रामबन वाला जो रोड है ये वो है। और इसमें अभी तो हम सबसे पहले पटनी टॉप से आती है ना, सबसे पहले हमारे को एक टनल क्रॉस करनी होती है, ठीक है ना। ये जो सामने आ गई है उससे पहले भाई एक टोल भी आएगा, लेकिन टोल का अपने को क्या है। वैसे तो भाई इतनी चौड़ी फुली लोडेड गाड़ी लेके घूमते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कहीं टोल वाले रोक के ये ना कहते भाई साहब इधर आओ चलान दे दो। लेकिन भाई हम चुपचाप अपनी पूँछ ऐसे निकाल लेते हैं टोल की साइड से ना, और सीधा अपने रास्ते पे मतलब की ओर चल पड़ते हैं टापो टाप। अब ये सामने आ गई है आपकी टनल, इसका नाम है, रुको मैं पढ़ के बताता हूँ क्योंकि बहुत सारी टनल है यार, इतने नाम कौन याद रखेगा। जय हिंद की सेना। इसका नाम है जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। सो हियर वी आर। लंबे ड्राइव के बाद बाहर आ चुके हैं टनल से। भाई कहीं ये दोनों छोरियां मुंह बाहर निकाल के बैठी हैं, कहीं उल्टी ना करते।
हर बाहर निकाल ली मुंडी निकाला हुआ बंदा तुम्हें देख रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो उल्टी भी कर लेता है। दिव्य सूचना अपडेट ये है कि बहुत ही लंबा जाम है, लोग गाड़ियों से निकल के बाहर एंजॉय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल वैली को, और भाई दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं है, ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। Although as a biker we are good to go but up to certain limit, उसके बाद तो हमारी रफ्तार पे भी ब्रेक लगना ही है। So let's finally इधर फंस गए, अब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, कोई स्कोप कुछ नहीं है। बिटवीन द लेग्स यो थारा भाई, बस यही अपने आप को निहारते रहो शीशे में बैठ के, बस और कुछ भी नहीं। और वो बूप्स हो जा रहा, बूप्स ही कुछ गैप बना सकता है बीच में से, ना कमर में से पसीने ऐसे जा रहे हैं चू 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 करते हुए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, और देख लो भाई रचित ने, एक मिनट हो जा, ऐसे ऐसे कर, अरे सेल्फी मार रहा क्या कर रहा है, अरे यार अच्छा देखा बूप्स कुछ कह रहा है। हाँ बूप्स यस यू आर राइट, चलो जी उम्मीद के निकले कहीं तो निकले भाई। हर टनन निकल के किसी शांत प्लेस पे जाती हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इतनी अच्छी टनल से निकल के और हम इस भीड़ में आके फंसे। अच्छा यहाँ आने के बाद पहली बार पता लगा कि फौज के भी कभी कभी कुछ कारनामे ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि ये जो आर्मी के व्हीकल्स हैं, आर्मी के नहीं लग रहे हैं बेसिकली, मुझे लग रहा है कि ये पुलिस वाली मूवमेंट है, तो ये रॉन्ग साइड से निकल रहे थे, ठीक है ना, अपनी लेन में नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ सारा ट्रैफिक स्टक हो गया और किलोमीटर्स का भाई थोक के भाव में जाम, थोक के भाव में। लेकिन हम शायद बाइकर्स हैं तो शायद निकल जाए, ये भाई कुछ कह रहा है। हाँ भाई सुन लो इसकी भी, भाई कह रहा है कि तुम लोग निकल जाओ, तुम क्यों खड़े हो यहाँ शांति से, तुम तो निकल सकते हो। चलो भाई अब फौजी आराम से बैठ के हमें देखें, हम निकलेंगे ऐसे। अच्छा रे रुक जाए एक मिनट, मुझे तो जालेन दे भाई, बंदूक ताने खड़े हैं भाई, लग रहा है मुझे तो भाई रास्ता मिल गया शायद। लेकिन ये उल्टे हाथ में तो अभी भी ट्रैफिक ही दिख रहा है और आगे तक ट्रैफिक ही दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है भाई ये लो हमारा रूट शायद क्लियर है भाई। लेकिन ज़िंदगी ने शायद ठान रखा है ना हमारी ज़िंदगी में एडवेंचर ख़त्म होगा ही नहीं, हर एक खाली रास्ता या तो ट्रैफिक में आता है या फिर ऐसी वादियों में। अब भाई ये देखो मौत का कुआं, यहाँ लैंडस्लाइड होके मतलब ऑलमोस्ट ये रोड ख़त्म ही है, नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद है, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है क्योंकि उस साइड से टनल पूरी ब्लॉक है। जय श्री राम भाई, अपना निकल गए, निकल गए भाई। देखो लैंडस्लाइड, वी नेवर सजेस्ट एनीबडी कि ऐसी जगह से निकलना चाहिए, लेकिन भाई हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, सब लोग यहीं से निकल रहे हैं टू व्हीलर वाले, तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ब्रो। और चलो भाई क्या करें ये, हाँ निकल जाओ, क्योंकि हमारे को पीछे किसी ने बोला था कि भाई आगे जाने नहीं दे रहे, वापस भेज देंगे, तो बस हम भी राम नाम जपते जपते पहुंच ही गए। लेकिन चलो भाई यहाँ से, भाई मुझे वहाँ दूर एक दिख रहा है कोई ऐसे आई गेस डैम वगैरह है कुछ,
जहाँ से पानी का थ्रो होता हुआ दिख रहा है मुझे। आई एम श्योर अगर उसके आसपास से गुजरेंगे तो भाई उसको भी कवर करेंगे अपनी वीडियो। ये देख लो भाई एक और लैंड, बिल्कुल बस ये लैंड भी हवा हवाई होने ही वाला है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, हर इसी के चीते हैं। इसी के साथ भाई देखो, मैंने बोला ही था हर एक खाली रोड कहीं ना कहीं लेके आता है, लेकिन थैंक्स टू यू पुलिस वाले अंकल जी कि दोबारा फिर आप हमारे को हेल्प कर रहे हो और फिर दोबारा से एक नई खाली रोड हमारे को परोस के दोगे। ये देखा, ये दोबारा से हमारे को मिली है खाली रोड और आई एम श्योर फिर कहीं जाके फंस ही जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में फंसना ही लिखा है भाई, हमारी ज़िंदगी में और कुछ ना लिखा है। वहाँ से निकल के भाई, मतलब इतनी घुटन वाली जगह से निकल के ना, बस फाइनली हम लोग अब रामबन के एरिए को टच करने लगे हैं। और रामबन भी मेरे ख्याल 1-1.5 साल में अभी ये नया फ्लाईओवर बन रहा है होपफुली, तो नेक्स्ट टाइम जब आना होगा तो यहाँ भी सिचुएशंस बदल चुकी होंगी। थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट के भाई डेवलपमेंट का ऐसा काम होता रहे और हम ऐसे ही उनको अप्रिशिएट करते रहें, वरना अपना काम तो भाई टांग खींचने का ही है। भाई रामबन लास्ट टाइम भी आया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और चलो इस बार अभी तक तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे ये बस स्टैंड से आई कुछ, यहाँ बहुत भीड़ रहती है भाई, यहीं से फिर सीधा वादियों में शामिल होते हैं हम रामबन से निकल के। तो भाई रामबन से निकल के बनिहाल के पास आ गई थी बारिश, जिसकी वजह से मुझे अपना कैमरा रखना पड़ गया था अंदर। और अब जैसे ही हम लोग श्रीनगर हाईवे पे टच किए हैं बनिहाल से, तो भाई कैमरा दोबारा से माउंट कर लिया है और स्वागत है देवी और सजनों आपका इस खूबसूरत वादियों वाले दौर में, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ आपको दिखेंगी वो दिखेंगी ये हसीन वादियाँ। जी हाँ, सो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये है बनियाल का क्षेत्र, जो सर्दियों में बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। यहाँ से यहाँ सारी बर्फ़ी बर्फ़ पड़ी होती है भाई, और यहीं से एक रेल सेवा भी चलती है जिसे बोलते हैं बनियाल से श्रीनगर की ट्रेन भाई, जिसकी एक्चुअल अक्सर आप वीडियोस भी देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर। एक मिनट भाई, ये लग रहा है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं वीडियो में रह गया भाई, अब सुन लेता हूँ इनकी भी। हाँ भाई, वो कैमरा माउंट कर रहा था भाई क्या करें, अब कैमरा माउंट नहीं करेंगे तो आप लोगों को वीडियोस कैसे दिखाएंगे, हमारे यूट्यूब पे ये वीडियोस कैसे आएंगे। अब भाई सामने ये टोल दिखाई दे रहा है, टोल क्रॉस करते ही आगे टनल आएगी, जो बनिहाल वाली टनल है भाई, सबसे बेहतरीन टनल, सबसे बेहतरीन, माई फेवरेट। लास्ट ईयर तो यहीं बैठ के काटे थे भाई 8-7-8 घंटे, अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम जो व्लॉग्स हमने बनाए थे। हम लोग बनिहाल से निकलते ही आगे ये आ गए टनल बनिहाल वाली, एंड जैसा कि आप लोग जानते ही हैं बनिहाल के बाद वाली ये जो टनल है, आई गेस जवाहर टनल या पता नहीं क्या नाम है इसका, मैंने नाम नहीं देखा, बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरी और मस्त टनल बनी हुई है, मस्त जिसे कहते हैं, लाइटनिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। और ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे अपने चीते आ रहे हैं, ठीक है। स्पीड यहाँ पे 50 की है, अपन 60 पे चल रहे हैं, इतना मैंने जो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मोर ओवर ये स्पीड जो है वो फोर व्हीलर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई गेस भी आगे अंधेरा हो गया, अब मेरे ख्याल लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। चलो ये देख लो जी, रात के नज़ारे भी देख लो, ये कौन चल रहा है अंधेरे में। यहाँ बीच बीच में कैमराज लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑब्जर्व करती है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको आगे चल के रोक लिया जाता है, ठीक है जी। तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर कमिंग टू दिस। अब ये देखो स्पीड सेंसर्स लगे हुए हैं आगे जो ब्लिंक कर रहे हैं, बाहर निकल के कनेक्ट करते हैं जी। टनल से आ गए हैं बाहर, बाहर आते ही हमारे फौजी साहब खड़े होते हैं सीधा बंदूक तान के, फालतू बकवास की तो सीधा माथे में लगेगी यहाँ से भाई। हाँ, वेदर इज टोटली चेंज्ड, बस ये अब दूसरी दुनिया में हमने कदम रख दिया। यहाँ से अब हमें ऑल द वे टू श्रीनगर, बहुत मजा आने वाला है।
पे श्रीनगर से आने वाले लोग या जो भी राइडर्स अपने जो श्रीनगर से उतर रहे यहाँ पे आई थिंक कुछ इश्यू है क्या है आई डोंट नो। ये देखो भाई ट्रकों को मूव करने नहीं दे रहे हैं एंड कुछ इश्यू है मेरे ख्याल जिसकी वजह से इतना लंबा ट्रैफिक जाम है जिसकी कोई हद नहीं। बट यू नो अपनी फौज से ऊपर कोई फौज नहीं हो ओए, सब साइड कर रखा सब मैनेज कर रखा है। अपना फौजी एक सिपाही बंदूक लेके आगे खड़ा हो जाता ना सारे लाइन में लग जाते हैं ऐसे फौजियों की ताकत है। तो सी यू सून गाइस हमारे सेकंड डे के इस ट्रेवल पार्ट पे बहुत सारे घने बादल लग रहा मंडराए हुए हैं। सुबह से ही हम ऐसा लग रहा है कि लद्दाख ना हुआ पता नहीं क्या हुआ बट समहाउ वी विल मैनेज एंड वी विल कंटिन्यू दिस राइड एंड विल ट्राई टू रीच एंड क्रॉस जोजीला टुडे। गुजर रहे हैं काजीगुंड एरिया से और जैसे ही हम बनियाल क्रॉस करके टनल क्रॉस करके इस रोड पे आए तो सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिल रही है और वो है लंबा चौड़ा किलोमीटर्स का जाम। श्रीनगर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी सी दूर रह गए हैं और अब अपना जगह जगह पे थैंक यू मोदी जी आपने हमारे लिए इतनी तगड़ी सुरक्षा कराई हमें नहीं पता था आप हमें इतना तगड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दोगे बट वी लाइक्ड इट। और श्रीनगर यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर रह गया रोड्स आर गुड बनिहाल से लेके श्रीनगर मलाई रोड है कोई दिक्कत नहीं है फोर लेन के रोड है और वेदर इज ऑल्सो गुड कुछ पीक्स नज़र आ रही हैं स्नो पीक्स बट अपने को उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने को ये दिल मांगे मोर तो वो दिल मांगे मोर के लिए थोड़ा और मोर चलेंगे अपन एंड फिर मिलते हैं चले। साले गंदे प्राणी कुल्फी खा के कैसे हाथ हिलाने लगा तू क्या था कुल्फी में अब बंद करेगा चले। तेल तेल चाहिए सूखा ही नहीं है। ओ बेदर्दे यार बेदर्दे ओ बेदर चलो बाइक थोड़ी साफ लग रही है मुझे तो बस अपने सामने की स्क्रीन साफ नजर आती रहे ये वाली और टैंक साफ नजर आता रहे तो बाइक साफ है। श्रीनगर चल भाई चल so Srinagar here we are coming Srinagar ki wadiyon mein kho jao chacha batale wo rahi barf wali unchi unchi pahadiyan inke bhi dusri taraf jana hai apne ko itni dur jana hai aur ye bob marle iske baithne ke style se samajh jaoge hamesha मैं कह रहा बॉब सीधा कैसे बैठा आज। ये देखो भाई टीम आरिश इज ऑन द वे टू लद्दाख एंड ये बॉब आ गया देखो ये हाथ लगा लगा के देखता रहता है सब है या नहीं है। इसी के साथ हम लोग श्रीनगर एंटर कर ही गए हैं और श्रीनगर में पहुंचते ही सबसे पहला काम जो होगा वो होगा अपना रिहाइश देखने का लेकिन रहने की जगह देखने से पहले हम ये पता नहीं किस पार्क के सामने हैं यहाँ पे भाई सामने हमें मिल गया है गोलगप्पे वाला खड़ा और ये काफ़ी पॉश इलाका है मेरे ख्याल मेन कहीं लाल चौक के आसपास ही हैं तो यहाँ गोलगप्पे खाएंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। लव यू गाइस बाय बाय।